झारखंड प्रकृति से भरा हुआ राज्य है। एक तरफ ऊंचे पर्वत तो दूसरी तरफ विशाल नदियां हैं। झारखंड सिर्फ सांस्कृतिक रूप से नहीं बल्कि यह प्राकृतिक रूप से भी अपने आप को समेटे हुए है। नेचर से जुड़ी चीजें कितनी कमाल की होती है, चाहे वह आग फेंकते ज्वालामुखी हो या फिर बादलों से भी ऊंचे पर्वत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत पारसनाथ पर्वत के बारे। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटे का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो दोस्तों, अपनी अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ पारसनाथ पर्वत की सैर पर। अपनी अद्भुत सुंदरता की वजह से झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पर्वत को यहाँ का हिमालय कहा जाता है। यह पर्वत धार्मिक आस्था के कारण काफी लोकप्रिय है। पारसनाथ पर्वत गिरिडीह जिले को मिली प्रकृति की अनुपम भेंट है। पारसनाथ की पहाड़ियां समुद्र के तल से 4,480 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह केवल झारखंड की ही सबसे ऊंची चोटी नहीं बल्कि हिमालय के दक्षिणी हिस्से का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे जैनियों का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है श्री सम्मेद शिखर जी के रूप में चर्चित इस पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। पारसनाथ 23वें तीर्थकर थे जिनके बाद इस जगह का नाम पारसनाथ पड़ा। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पारसनाथ रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा आप बाई बस या फिर खुद के व्हीकल से भी यहाँ पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे पर्यटक पहाड़ी पर आगे बढ़ते हैं, रास्ते में आने वाले सभी मंदिर को पार करते हैं जो तीर्थकरों को समर्पित है। दोस्तों, यहाँ के कुछ मंदिर 2000 सालों से भी पहले के माने जाते हैं। पारसनाथ में ज्यादातर संथाल जाति के लोग निवास करते हैं। मीड अप्रैल में बैसाखी के दौरान ये लोग पूर्णिमा के दिन शिकार उत्सव मनाते हैं। यह पहाड़ी मधुवन नाम के घने जंगलों से घिरी हुई है। जो पर्यटक ट्रैकिंग में रुचि रखते हैं उन्हें मधुवन से शुरुआत करनी पड़ती है। वैसे अपने पास पानी की बॉटल और कुछ स्नैक्स जरूर रख ले। इस पहाड़ी पर उत्तर की दिशा से आसानी से चढ़ा जा सकता है। जो पर्यटक चलने में असमर्थ होते हैं वे डोली वालों की मदद ले सकते हैं। जो लोग पहाड़ी पर चढ़ते हैं उन्हें अपने पास टॉर्च जरूर रखनी चाहिए। ट्रैकिंग और रोमांच का अनुभव आपको अद्भुत लगेगा। रास्ते में पड़ने वाले स्टॉल से आप चाय या कॉफी ले सकते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी पर कुछ एडवेंचर एक्टिविटी जैसे पैराग्लाइडिंग का भी आप यहां आनंद ले सकते हैं। बाय रोड रांची से पारसनाथ की दूरी 190 किलोमीटर की है। लोग जब पारसनाथ की टॉप पर पहुंचते हैं तो यहां की व्यूज और यहां की फ्रेश एयर उन्हें एक अलग ही अनुभव कराती है। इस खूबसूरत पलों को अपने कैमरे में कैद करना बिल्कुल भी नहीं भूलते। दोस्तों, ये तो हुई झारखंड की बातें। और क्या आप झारखंड के अलावा देश के अन्य जगहों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? तो मेरे साथ जुड़ जाइए मेरे न्यू चैनल एक्सप्लोर विद किरण के साथ, जहां मैं आपके लिए अपने देश से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग बातें शेयर करूंगी। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।